जय हिंद साथियों। साथियों बात करेंगे बिहार पुलिस फायरमैन अग्निशमन सेवा में कौन कौन से कागजात आपके लिए बहुत जरूरी है। साथियों कुछ महत्वपूर्ण बातें आप सभी को बताना चाहूंगा कि यदि आपसे वो कोई गलती हो गई है, साइबर वाले से कोई गलती हो गई है, तो आप कैसे इस रेस से बाहर हो अभी से। पहला चीज, उसमें कोई सुधार नहीं होता है, वो होता है डेट ऑफ बर्थ। यदि आपका डेट ऑफ बर्थ गलत है, आप रेस से बाहर हो, भले आपका रिजल्ट हो गया है। दूसरी चीज, कैटेगरी आपकी गलत है, आप जिस कैटेगरी में आते हो वो कैटेगरी ना डालकर अब ये मत कहिए कि साइबर वाले की गलती दिस है, तो आप रेस से बाहर हो, सिर्फ और सिर्फ एक रिजल्ट नाम मात्र करा गया है। दो चीजें, इसमें कोई सुनवाई नहीं है। बात करूंगा कौन कौन से कागजात आपको फिजिकल के दिन लेके जाने होंगे। साथियों आधार कार्ड, पहला प्रवेश करने के लिए आदमी कार्ड के साथ साथ आधार कार्ड जरूरी है। अब उस नोटिस में यह भी लिखा गया है कि COVID-19 के लिए हेन तेन ये ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा यह भी लिखा गया है कि EWS सर्टिफिकेट, चाहे नॉन क्रिमिलियर, क्रिमिलियर, आवासीय, XYZ, बहुत सारी बातें कि 2020-21 नोटिफिकेशन, जैसा कि आप लोग देखे होंगे 2020 के मान्य प्रमाण पत्र हेतु, तो ऐसा कुछ नहीं है। यदि आपके पास बीते 6 महीने का, वर्तमान में अभी भी आपने EWS बनाया होगा, नॉन क्रिमिलियर, क्रिमिलियर, आवासीय, अभी का वर्तमान भी बनाए हैं, अभी से भी अब ऑनलाइन अभी आप करना चाहते हैं, तो आप सभी को मैं बता दूं कि इसके लिए कोई दिक्कत है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। कौन कौन से मुख्य कागजात आपको चाहिए ये जानने सबसे बहुत जरूरी है। सबसे पहले मैट्रिक की बात करते हैं, तो मैट्रिक का मार्कशीट ध्यान से सुनेंगे। मैट्रिक का जो मार्कशीट होगा उसके साथ साथ आपको मूल प्रमाण पत्र मिले होंगे, मैट्रिक का मार्कशीट, मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र, ये सभी को चाहिए। दूसरा इंटर के बारे में, यदि मूल प्रमाण पत्र नहीं है ओरिजिनल चल जाएगा। दूसरा इंटर का मार्कशीट और उसका ओरिजिनल या ओरिजिनल आपके पास कोई हो चल जाएगा, बस इतने डॉक्यूमेंट चाहिए। उसके बाद आवासीय, आप बिहार से हो, अदर स्टेट से हो, सभी को डोमिसाइल चाहिए, आवासीय चाहिए। अगली बात, कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगता है, बिल्कुल नहीं लगता है। अगली बात, अब आप जिस कैटेगरी से आते हो, यदि जनरल हो तो आवासीय तक ही काम सीमित है, मैट्रिक का मार्कशीट, मूल प्रमाण पत्र, इंटर का मार्कशीट, मूल प्रमाण पत्र और सिर्फ आवासीय देना है। यदि आप यहीं पर EWS लगाए हैं तो EWS का सर्टिफिकेट आपको देना होगा, बस। अब आपका 6 महीना पहले के है, जरूरी नहीं कि 2020-21 का हो, अभी के भी हो कोई दिक्कत नहीं है, बात मानिए। दूसरा चीज, गलती से किसी दिन किसी कारणवश आपका डॉक्यूमेंट भी भूल जाता है और सिर्फ आप आर्मी कार्ड लेके जाते हैं तो आपको, और आधार कार्ड लेके जाते हैं, आपको आयोग द्वारा दौड़ाया जाएगा और फिर आपको 2-4-5 दिनों की, यदि कोई किसी प्रकार की गलती रहती है, इसीलिए स्क्रूटनी होती है कि कोई डॉक्यूमेंट आपका छूट गया रहता है तो आपको कॉल करके बुलाया जाता है, तो इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। बहुत सारे कॉल कॉमेंट्स आ रहे हैं कि सर क्या होगा 2020-21 का, ये डॉक्यूमेंट मेरे पास नहीं है। ओबीसी वाले, ओबीसी, क्रिमिलियर, नॉन क्रिमिलियर, ईबीसी, दूसरा कैटेगरी वाले जो होते होंगे वो अपना कैटेगरी डालेंगे, यही डॉक्यूमेंट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए आपको। तो साथियों ये रही बिहार पुलिस फायरमैन संबंधित डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, यानी जैसे ही आप फिजिकल पास करते हैं, जैसे ही आपके हाथों में गेट पास होगा, सबसे पहले उसी दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो साथियों यदि कोई डॉक्यूमेंट्स कागजात आपके पास नहीं है जो मैंने बताया, तो आप लोग उसको, चाहे बोर्ड से हो, चाहे जो आपको ब्लॉक से, अब ये नहीं पूछिएगा कि अनुमंडल तक रहेगा कि सर ब्लॉक तक, ब्लॉक तक भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है। सर नॉन क्रिमिनल कहाँ तक का चाहिए, ओबीसी, EWS अनुमंडल तक चाहिए कि ब्लॉक तक हो जाएगा, सर तो ब्लॉक तक हो जाएगा, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। और दूसरी बात आप सभी को मैं बता दूं कि आप जितना जल्दी प्रेशराइज हो जाते हो ना, उतने टेंशन में आ जाते हो ना कि अब क्या होगा, मेरे पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं, तो सभी के साथ स्वाभाविक सी बात है, हमारे साथ भी एक समय था, एक दौर था, होते रहता है, लेकिन आप सीखिए। और मैंने खुद से सीखा है, खुद के एक्सपीरियंस के दम पे बोलता हूँ, क्योंकि हमने इस वर्तमान जो पीछे की भर्तियां थी उन भर्तियों में पार्टिसिपेट किया और उसका एक अभ्यर्थी रहा, और अभ्यर्थी रहने के साथ साथ फाइनली सिलेक्शन हुआ, उसी के आधार पे आप लोगों को बताता हूँ और हर हमेशा सही अपडेट देते रहता हूँ।
चाहे किसी भी भर्ती की, बिहार सरकार की भर्ती की हो, और मैंने बहुत पहले भी आप लोगों को बता दिया था कि 8 नवंबर से आपका फाइनली फिजिकल चालू हो जाएगा। तो बहुत सारे कॉल मैसेज आ रहे थे, इसकी वजह से आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स संबंधित जितने डाउट थे वो सारे हमने क्लियर कर दिए। कभी कभी क्या होता है कि किसी किसी लोगों का एडमिट कार्ड नहीं निकलता, तो घबराने की बात नहीं है, एक ऑफिशियल साइट पर आप देखेंगे उसमें डेट रहता है, इतना से इतना तारीख तक आप जाके अपना एडमिट कार्ड निकाल सकते हो। आयोग के आपको भवन जाना होगा, वहां पे जहां आयोग है, आयोग का ऑफिस है, वहां जाना होगा और वहां से आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। साथियों आपको ये भी बात मैंने बता दी कि डॉक्यूमेंट्स किसी कारणवश आपका नहीं बन पाता है, आप नहीं उस दिन जमा करते हैं, तो उसके लिए भी ये नहीं कि डायरेक्ट जाओ जाओ ये आर्मी की कोई भर्ती नहीं कि आज नहीं डॉक्यूमेंट्स लाए भाग जाओ, ये भर्ती से आप रेस से बाहर, ऐसा नहीं है। आपको टाइम दिया जाएगा 2-4, 5 दिन, 10 दिन, 12 दिन आपका टाइम मिलता है, और स्कूटनी के टाइम भी यदि आपका कोई डॉक्यूमेंट्स कागजात गलती रहते हैं, कॉल्स आते हैं, मेल आता है और आपको फिर बुलाया जाता है। तो साथ ही ये रही हमारी महत्वपूर्ण बातें बिहार पुलिस फायरमैन अभ्यर्थियों के लिए डॉक्यूमेंट संबंधित सारी महत्वपूर्ण बातें। जय हिंद, वंदे मातरम।